अधौरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र के कधर कला गांव का खबर दिखाने के बाद एएसपी अभियान के बॉडीगार्ड मनीष आनंद ने खुद ही टीम बनाकर 600 फीट गहराई में बसे गांव में करीब 200 लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई है। मीडिया के प्रमुखता से गांव की समस्याओं को प्रमुखता से दिखाया गया, जिसके बाद मनीष ने अपनी खुद की टीम बनाई और गाँव पहुँचकर लोगों को मदद किया। मदद पाकर गाँव वालों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी गई। लॉकडाउन के दौरान पहली बार किसी ने गांव में राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। अभिषेक राज की रिपोर्ट, कैमूर से सीएनबी न्यूज। मैं कांस्टेबल मनीष आनंद एएसपी अभियान के गार्ड में अंगरक्षक में पदस्थापित हूं, और जब भी हमारी ड्यूटी समाप्त होती है तो मैं सामाजिक कार्यों में लग जाता हूं। मैं और हमारी टीम, जितने भी सहयोगी टीम है, अनुराग राजकेसरी और अमन जी और कुंदन, ये हमारी टीम मेंबर है। जब भी हमारी ड्यूटी ऑफ होती तो ये हमारे सभी मेंबर जो सुदूर इलाका है, जैसे वो अधौरा नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, जो वहाँ जो आवागमन में कठिनाई होती है, हम लोग वहाँ जाके सूखा राशन पहुँचाएँ, जो खाद्य सामग्री होता है वो हम लोगों ने उपलब्ध कराया। और जब से लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई है तब से लेकर अभी तक हमने 1000 लोगों को राशन पहुँचाने का कार्य किया है। कोरोना वायरस से हम लोग 2 माह से जूझ रहे हैं, किसी तरह का आवागमन का यहाँ व्यवस्था भी नहीं है। इसी बीच एएसपी अभियान के बॉडीगार्ड मनीष आनंद और अनुराग अमन आए और राशन वितरण किए और मास्क भी वितरण किए। इसके बाद कोरोना वायरस से बचने के लिए उपाय बताए कि कैसे इस रोग से बचना है, और साफ सुथरा पर ध्यान देने के लिए भी बताए कि कहीं से आइए, हाथ साबुन से धोकर अच्छा ढंग से, और किसी को कोई परिवार कहीं से आ रहा है तो उसको भी साफ सुथरा साबुन से हाथ धोने का सलाह दिए। कैमूर जिला के मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद देता हूँ जो अधौरा पंचायत के कधर कला गांव का रिपोर्टिंग किए और न्यूज के माध्यम से उस गांव की जो आज के इस लॉकडाउन में जो स्थिति है उन्होंने दिखाया। उस स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने तय किया कि उस गांव में जाना चाहिए और जाके उस गांव के लोगों की मदद करना चाहिए, क्योंकि अधौरा पंचायत से वो गांव 20 किलोमीटर दूर है, जो 5 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है, जो आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, पहाड़ियों को उतर के घाटियों को उतर के जाना पड़ता है, और वहाँ पे कोई संसाधन नहीं है, ना कोई मोबाइल सेवा नहीं है, ना कोई चीज़ की एक लाइफलाइन की कोई सेवा नहीं है। वहाँ के कैसे लोग जी रहे हैं देखने में बहुत एक ताज्जुब की बात थी। तो हम लोग गए वहाँ के 200 परिवारों को राशन वितरण किए, मास्क वितरण किए और कोरोना वायरस की जानकारी दी